हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के इस वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज कंपेयर करने हैं हमें A1 और A2 का, B1 और B2 का, C1 और C2 का। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें रेशियोज को कंपेयर करके चेक करना है कि जो लाइन्स है वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइन है, मीन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, या फिर वो पैरेलल है, या फिर वो कोइंसिडेंट है। इसके लिए हमें चेक करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने अपने बेसिक वीडियो में सीखा था कि क्या कंडीशन होती है कि लाइन इंटरसेक्ट करे। तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या है, पैरेलल की कंडीशन क्या है और कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या है। तो अगर हमारे पास A1 A2 और B1 B2, A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, तो ये इंटरसेक्टिंग का केस होगा। सेकेंड, A1 by A2 is equal to B1 by B2, that is not equal to C1 by C2, तो ये केस है पैरेलल का। और ठीक इसी तरह से A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 अगर ये सारे इक्वल हो जाए तो फिर हमारे पास केस हो जाएगा कोइंसिडेंट का। तो इंटरसेक्टिंग के लिए A1 by A2 is not equal to B1 by B2, पैरेलल के लिए A1 by A2 is equal to B1 by B2, not equal to C1 by C2, और कोइंसिडेंट के लिए तीनों ही जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। तो ये आपको चेक कर दिया और उससे पता चल जाएगा कि लाइन इंटरसेक्ट करती है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। तो बात करें, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो लाइन्स गिवन है वो है 5x-4y+8=0, ये 1, और यहां पे 7x+6y-9 = 0, ये 2। तो हम लिखेंगे कि कंपेयरिंग गिवन लाइंस विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, a1x+b1y+c1=0 एंड a2x+b2y+c2=0। यहां से हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 5, b1 की वैल्यू आ जाएगी -4 और c1 की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक इसी तरह से a2 की वैल्यू आ जाएगी 7, b2 की वैल्यू आ जाएगी 6 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -9। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, a1/a2, ये आया 5/7। इसी तरह से b1/b2, ये आया हमारे पास -4/6। -4/6 सोल्व करने के बाद -2/3। इसी तरह से c1/c2, 8/-9, या फिर हम -8/9। अब देखो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो इसके निकालने की भी जरूरत नहीं थी। तो हम लिखेंगे कि सिंस a1/a2 दैट इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि a1/a2 तो कितना है 5/7 और b1/b2 कितना है -2/3, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। सो द लाइन्स इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट, जो लाइन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि इनका जो ग्राफ है कुछ इस तरह का, एक लाइन और दूसरी लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स ये है हमारे पास। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें, पार्ट सेकंड में हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है वो है 9x+3y+12=0 और ये 18x+6y+24=0। तो कंपेयर कर लेंगे हम इनको, यहां से a1 =
नाइन, ए वन की वैल्यू 9 है, बी वन इज इक्वल टू 3 और यहां से हमारे पास ए वन इज इक्वल टू 9, बी वन इज इक्वल टू 3 और सी वन इज इक्वल टू 12। इसी तरह से ए टू इज इक्वल टू 18, बी टू इज इक्वल टू 6 और सी टू इज इक्वल टू 24। हम वैल्यू निकालेंगे ए वन डिवाइड बाय ए टू की, यानी कि 9 डिवाइड बाय 18 सोल्व करेंगे तो 1/2। इसी तरह से बी वन डिवाइड बाय बी टू की वैल्यू निकालेंगे तो 3 डिवाइड बाय 6 सोल्व करेंगे तो 1/2। इसी तरह से सी वन डिवाइड बाय सी टू की वैल्यू निकालेंगे 12 डिवाइड बाय 24 सोल्व करेंगे तो 1/2। अब देखो सारी वैल्यू 1/2 है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस ए वन डिवाइड बाय ए टू दैट इज इक्वल टू बी वन डिवाइड बाय बी टू दैट इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। तो कैसे हो जाते हैं, जब ये सारे इक्वल हो जाते हैं कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है। सो द गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो ये लाइन है वो कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस है। तो ये हमारे पास पार्ट हो जाता है सेकंड। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहां भी पहले बच्चे कोइंसिडेंट लाइन की क्या खास बात होती है, आप इन दोनों को ध्यान से देखो। अगर मैं लाइन वन को टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो लाइन टू बन जाएगी, या लाइन टू को लाइन टू से डिवाइड कर दूं तो लाइन बन जाएगी। तो ये एक्चुअल में एक ही लाइन है, टू लाइंस नहीं है। तो इस तरह की लाइन हमें कोइंसिडेंट लाइंस देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी नंबर से डिवाइड करने से हमें दूसरी लाइन मिल जाती है। ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात अगर करें हम पार्ट थर्ड की, इसी तरह से हमारे पास पार्ट थर्ड है। थर्ड पार्ट में है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 दैट इज 0 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। ये टू इक्वेशंस गिवन है। यहां से हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाती है 6, बी वन की वैल्यू आ जाती है माइनस 3 और सी वन की वैल्यू आ जाती है 10। ए टू की वैल्यू आ जाती है 2, बी टू की वैल्यू आ जाती है माइनस 1 और सी टू की वैल्यू आ जाती है 9। ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू और सी टू की वैल्यू आ जाती है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि ए वन डिवाइड बाय ए टू 6 डिवाइड बाय 2 कैंसिल करेंगे तो 3 डिवाइड बाय 1 यानी कि 3 डिवाइड बाय 1 मिल गया हमें, या 3 भी लिख सकते हैं। बी वन डिवाइड बाय बी टू माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 1 तो यहां से भी हमें 3 बाय 1 मिल गया। और सी वन डिवाइड बाय सी टू 10 डिवाइड बाय 9। अब देखो ये दो पार्ट रेशो तो इक्वल है, हम लिखेंगे कि सिंस ए वन डिवाइड बाय ए टू दैट इज इक्वल टू बी वन डिवाइड बाय बी टू दैट इज नॉट इक्वल टू सी वन डिवाइड बाय सी टू। सो द गिवन लाइन्स आर नॉट, सॉरी, सो द गिवन लाइन्स आर, ये इक्वल नहीं आया तो कैसी है, ये पैरेलल है, नॉट इंटरसेक्टिंग या फिर आप पैरेलल, क्योंकि हमें हमसे इस तरह से पूछा गया ना कि पैरेलल है कि नहीं या इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, क्योंकि हमारे पास ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू के इक्वल है लेकिन सी वन बाय सी टू के इक्वल नहीं है। सो द गिवन लाइन्स आर पैरेलल, तो यहां पे उसने एक केस तो दे दिया इंटरसेक्टिंग का यानी कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट का, एक केस दे दिया कोइंसिडेंट लाइन्स का और एक केस दे दिया कौन सा, जिसमें लाइन कैसी है पैरेलल। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास पैरेलल है। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह से ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इसमें कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ए वन ए टू बी वन बी टू एंड सी वन सी टू, तो ये रेशियोज हैं कंपेयर करके, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन से पेयर कंसिस्टेंट है और कौन से पेयर इनकंसिस्टेंट है। अब प्यारे बच्चों कंसिस्टेंट वो पेयर होता है जिसका सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन हमारे पास अगर हम इस केस की बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह से, अगर ए वन डिवाइड बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है,
इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स वन सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन, या फिर जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस में हमारे पास पैरेलल लाइंस है, इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और थर्ड केस में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब जब हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं तो उसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। तो सॉल्यूशन कौन कौन से केस में मिले, फर्स्ट केस में और थर्ड केस में। तो जो फर्स्ट केस है हमारा और जो थर्ड केस है वो कंसिस्टेंट है, यहाँ पे वन सॉल्यूशन मिला, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिले। तो केस फर्स्ट ये हमारे पास कंसिस्टेंट है, और केस थर्ड वो भी हमारे पास कंसिस्टेंट है। केस सेकंड में कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिला, तो केस सेकंड हमारा कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अब अगर पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है, थर्ड के फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास गिवन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो यहां से 1 और 2। अब यहां पे पहले तो जो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो कांस्टेंट टर्म है, या तो दोनों ही कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में हो या दोनों ही कांस्टेंट टर्म राइट साइड में हो, ऐसा मत करना कि एक जो टर्म है हम लेफ्ट साइड में कर ले और एक टर्म हम राइट साइड में कर ले। तो दोनों ही कांस्टेंट टर्म या तो लेफ्ट साइड में हो या फिर दोनों ही कांस्टेंट टर्म राइट साइड में हो, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब यहां पे या तो हम इनको राइट साइड में लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, और यहां पे 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इनको इस तरह से लिख दिया। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, हम लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस विद, इसके साथ कंपेयर किया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू -5। a2 इज 2, b2 इज -3 और c2 इज -7। अब हमारे पास a1 डिवाइड बाय a2 दैट इज 3/2, b1 डिवाइड बाय b2 दैट इज 2/-3, यानी कि इसको -2/3 लिख देते हैं। अब यही इक्वल नहीं आया तो c1/c2 चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तो आप निकालो या ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। c1/c2 दैट इज -5 डिवाइड बाय -7 दैट इज 5/7। तो हम लिखेंगे कि सिंस a1 डिवाइड बाय a2 दैट इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2, यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एज 3/2 दैट इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है तो वन सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है तो फिर कंसिस्टेंट है। सो द गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन हो। हेंस फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर्स, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो ये कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो यहां पे ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको दोनों को कांस्टेंट पार्ट को राइट साइड में भी रखें
तब भी कोई देखो फर्क नहीं पड़ता। फिर हम इसको ऐसे कंपेयर कर लेंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई दैट इज सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। तो ए वन हमारा थ्री हो जाएगा, बी वन हमारा टू हो जाएगा, सी वन हमारा फाइव हो जाएगा, ए टू हमारा टू, बी टू हमारा माइनस थ्री और सी टू हमारा फाइव। तो ए वन बाई ए टू हमारा हो गया थ्री बाई टू, यहाँ पे टू बाय माइनस थ्री से यानी कि माइनस टू बाय थ्री, और ये हमारा कितना था सेवन था। सी वन बाई सी टू कितना आ गया फाइव बाई सेवन, देखो थ्री बाय टू, थ्री बाई टू माइनस टू बाय थ्री और फाइव बाई सेवन, फिर भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा करना है, या तो दोनों को लेफ्ट साइड में रखोगे कॉन्स्टेंट पार्ट को, या दोनों ही कॉन्स्टेंट पार्ट को राइट साइड में रखोगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह से अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें, पार्ट सेकंड में है हमारे पास, इसमें हमारे पास गिवन है 2x माइनस थ्री वाई दैट इज इक्वल टू ए, एंड 4x माइनस सिक्स वाई दैट इज इक्वल टू नाइन। तो यहां हम इसको लिख देंगे 2x माइनस थ्री वाई माइनस एट दैट इज जीरो, और इसको लिख देंगे 4x माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन दैट इज जीरो। तो यहां से हमारे पास लिख देंगे आपके ओन कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन। तो ए वन की वैल्यू हमारे पास आ गई टू, बी वन की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस थ्री, और सी वन की वैल्यू आ गई माइनस एट। ए टू इज फोर, बी टू इज माइनस सिक्स और सी टू इज माइनस नाइन, फोर माइनस सिक्स और माइनस नाइन। ए वन डिवाइड बाय ए टू, ए वन डिवाइड बाय ए टू दैट इज टू डिवाइड बाय फोर, इट इज वन बाय टू। बी वन बाय बी टू इट इज माइनस थ्री डिवाइड बाय माइनस सिक्स, तो ये भी सोल्व करेंगे वन और टू यानी कि वन बाय टू। सी वन डिवाइड बाय सी टू दैट इज माइनस एट डिवाइड बाय माइनस नाइन यानी कि एट डिवाइड बाय नाइन। अब यहां देखो ये इक्वल है, ए वन डिवाइड बाय ए टू दैट इज इक्वल टू बी वन डिवाइड बाय बी टू दैट इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। सो द इक्वेशन हैव इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, ये पैरेलल लाइंस है। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है हमारे पास थ्री बाई टू एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाय थ्री वाई दैट इज इक्वल टू सेवन, एंड नाइन एक्स माइनस टेन वाई दैट इज इक्वल टू फोर्टीन। तो पहले लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, थ्री बाई टू एक्स इंप्लाइज थ्री बाई टू एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाय थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, और ये तो ठीक है हमारे पास, इसको हम नाइन एक्स माइनस टेन वाई माइनस फोर्टीन दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से देख लेते हैं, थ्री बाय टू एक्स प्लस फाइव बाय थ्री वाई दैट इज इक्वल टू सेवन, एंड नाइन एक्स माइनस टेन वाई दैट इज इक्वल टू फोर्टीन। ठीक है, अब यहां से हम देखें तो कंपेयर करने पे ए वन की वैल्यू है थ्री बाय टू, बी वन की वैल्यू है फाइव बाय थ्री, और सी वन की वैल्यू है माइनस सेवन, ए टू की वैल्यू है नाइन, बी टू की वैल्यू है माइनस टेन, और सी टू की वैल्यू है माइनस फोर्टीन। अब ए वन डिवाइड बाय ए टू, थ्री डिवाइड बाय टू और डिवाइड बाय नाइन। अब देखो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, एक्चुअल डिवीजन हमारा ये है यानी कि ये नाइन डिवाइड बाय वन है, तो वन और थ्री इकट्ठे हो गए यानी कि थ्री ही होगा, तो और ये टू और नाइन इकट्ठे हो जाएंगे, वन और ये थ्री, तो यहां पे हमारे पास वन बाय सिक्स आ जाएगा। बी वन डिवाइड बाय बी टू,
5 डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय माइनस 10, इसके डिवाइड में 1 लगा देते हैं तो ये 5 और 1 इकट्ठे हो गए तो 5 हो जाएंगे, 3 है हमारे पास और माइनस 10 है तो माइनस आगे लिख लेते हैं, 3 और 10 हो जाएगा हमारे पास, 1 और 2 तो ये माइनस 1 बाय 6 हो गए। ये देखो हमारे पास ये कितना आया, a1 बाय a2 1 बाय 6 है और b1 बाय b2 माइनस 1 बाय 6 है, तो a1 डिवाइड बाय a2 दैट इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2, तो c1 बाय c2 को चेक करने की तो जरूरत नहीं है हमें, इसको हम चेक करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं आए, तो हम लिख सकते हैं कि इस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो सो द गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, मींस वन सॉल्यूशन, सो द पेयर ऑफ या हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। यहां पे आप चाहो तो इसका एलसीएम 6 बनता है, तो एलसीएम 6 बना के और उसके बाद भी इसको सोल्व कर सकते हो, उस तरीके से भी सोल्व करते हो तो भी वो गलत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास 5x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y दैट इज इक्वल टू माइनस 22। तो इसको अगर हम लिखें तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और इसको माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास a1 की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग 5, b1 इज माइनस 3 और c1 इज माइनस 11, a2 इज माइनस 10, b2 इज 6 और c2 इज 11। तो a1 डिवाइड बाय a2 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय माइनस 10, सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बाय 2, b1 डिवाइड बाय b2 माइनस 3 डिवाइड बाय 6 सोल्व करेंगे तो माइनस 1 बाय 2, c1 बाय c2 यहां पे हमारे पास c2 हमारे पास हमने गलत ले दिया, c2 तो हमारा कितना था 22 नहीं, 5 माइनस 3 माइनस 11, 5 माइनस 3 माइनस 11 माइनस 10 6 और 22 तो माइनस 11 डिवाइड बाय 22 तो ये भी माइनस 1 बाय 2। यहां पे हमारे पास a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल है b1 डिवाइड बाय b2 के, इक्वल है c1 डिवाइड बाय c2 के, तो लाइन कैसी होगी, कॉन्सिडेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगी। हम लिख सकते हैं कि सो द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, तो ये कैसा है, कंसिस्टेंट। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट 4। फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट में हमारे पास 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 12। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आप इसको a1 b1 और c1 ऐसे भी मान सकते हैं, आप सारे काम को लेफ्ट साइड में लेके भी कर सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से अगर हम इसको सारे को लेफ्ट साइड में ले लें या कांस्टेंट पार्ट को राइट साइड में लेकर करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट पार्ट या तो दोनों ही राइट साइड में हो या दोनों ही लेफ्ट साइड में हो, ऐसा ना हो कि एक राइट साइड में हो एक लेफ्ट साइड में हो, इससे आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखे तो ये 4/3x + 2y - 8 = 0 और ये
2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ए वन की वैल्यू 4/3, बी वन की वैल्यू 2 और सी वन की वैल्यू -8। ए टू इज 2, बी टू इज 3 और सी टू इज -12। ए वन डिवाइड बाय ए टू 4/3 और डिवाइड बाय 2, ध्यान है एक्चुअल डिवीजन ही है तो 2 डिवाइड बाय 1 यानी कि 1 और 4 की होगी तो 4 और ये 3 और 2 1 2 यानी कि हमें 2 डिवाइड बाय 3 मिला। b1 डिवाइड बाय b2 दैट इज 2 डिवाइड बाय 3 और c1 डिवाइड बाय c2 -8 डिवाइड बाय -12 4 2 पे 3 पे माइनस कैंसिल कर लेते हैं तो 2/3 सारी इक्वल आ गया हमारे पास। a1 डिवाइड बाय a2 दैट इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 दैट इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। सो द गिवन इक्वेशंस हैव क्या होगा अगर सारे इक्वल हो तो इनफाइनाइट वाली सॉल्यूशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। देखो फिर बच्चों ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है किसी में भी क्योंकि कंसिस्टेंट वो होती है जिसका सॉल्यूशन होता है तो इस वजह से लिख रहे हैं कि सॉल्यूशन है इसकी तो कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ये इसका आंसर है। पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट 5 और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।